दोस्तों, दवा और खाने के सामान की एक्सपायरी डेट के बारे में आपको पता होगा, लेकिन क्या घर में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी गैस सिलेंडर की एक्सपायरी डेट के बारे में कभी सोचा है? एक्सपायरी डेट तो होती है, लेकिन जैसे आमतौर पर आपको या हमें पता है वैसे नहीं। इंटरनेट की दुनिया में रील्स और शॉर्ट्स में जो ज्ञान फैला हुआ है उसे गैस सिलेंडर का सच बताया जाता है, लेकिन रील्स और शॉर्ट्स भी छोटे होते हैं तो स्टोरी में पूरी कहानी समझना थोड़ा मुश्किल होता है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर आपको ऐसे कई सारे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें एलपीजी गैस सिलेंडर की एक्सपायरी डेट के बारे में आगाह किया जाता है। बोला जाता है कि चेक कर लो, कहीं फट गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इनके मुताबिक सिलेंडर पर लिखे अंक बहुत कुछ होते हैं, जैसे A25 या B24। दोस्तों, भारत में बड़े पैमाने पर एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल होता है, इसके बावजूद ज्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि आखिर एलपीजी सिलेंडर पर डेट या नंबर कहाँ लिखी होती है, उसका क्या मतलब होता है। तो चलिए आज हम आपको इस बारे में जानकारी देते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि एलपीजी सिलेंडर पर ऊपर की ओर जो तीन पट्टियां हैं उन पर बड़े बड़े अक्षरों में एक कोड लिखा होता है। असल में यही सिलेंडर की एक्सपायरी डेट होती है। ये कोड A24, B23, C26 या D27 होते हैं। दरअसल इस कोड में ABCD अक्षर महीने को दर्शाते हैं और इसके पीछे लिखे नंबर साल की जानकारी देते हैं। आइए अब समझते हैं कि ये कोड कैसे सिलेंडर की एक्सपायरी बताते हैं। दोस्तों, इसे टेस्ट ड्यू डेट भी कहते हैं। दोस्तों, अब हम आपको ABCD का मतलब बताते हैं। दरअसल ABCD में हर अक्षर को तीन तीन महीनों के समूहों में बांटा गया है। A का मतलब है जनवरी, फरवरी और मार्च। B का मतलब है अप्रैल, मई और जून। C का मतलब है जुलाई, अगस्त, सितंबर। D का मतलब है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दोस्तों, अब हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। यहाँ A मतलब पहली तिमाही और D मतलब आखिरी तिमाही। अंकों का मतलब साल से है। थोड़ा और आसान भाषा में कहे तो जैसे सिलेंडर पर B25 लिखा है तो इसका मतलब है साल 2025 के दूसरे तिमाही में ये सिलेंडर एक्सपायर हो जाएगा। अब इस बात से ये मत समझिएगा कि आपका सिलेंडर एक्सपायर हो गया है और वो ब्लास्ट हो जाएगा। दोस्तों, हमने इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर चेक किया है। यहाँ बकायदा बोल्ड लेटर्स में लिखा है कि इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, होती है तो सिर्फ टेस्ट ड्यू डेट। वेबसाइट पर पूरे विस्तार में सिलेंडर को जांचने और परखने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। इसके मुताबिक साल 2000 के बाद बने हर सिलेंडर की इस 10 साल के बाद टेस्टिंग और पेंटिंग की जाती है। इसके अलावा हर 5 साल में इनको चेक भी किया जाता है। असल में दोस्तों, सिलेंडर पर लिखी उसकी एक्सपायरी डेट ही उसकी टेस्टिंग डेट होती है। इस तारीख के बाद सिलेंडर को फिर से टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है और देखा जाता है कि वो अभी और इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। वैसे ये भी जान लीजिए कि अगर कोई कनेक्शन इस्तेमाल में नहीं है, महीनों से बंद पड़ा है, तो उसको भी बिना चेक किए रिफिल नहीं किया जाता है, इसलिए आराम से इस्तेमाल कीजिए। हाँ, अगर कुछ दिक्कत लगे तो अपने से कुछ करने की बजाय पूरी सावधानी रखते हुए सीधे संबंधित एजेंसी को फोन मिलाइए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।